हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मेरा तो फास्ट चल रहा है। रात के 8 बज चुके हैं, पूजा आरती हो चुकी है। तो अभी अभी हस्बैंड ऑफिस से आए हैं और उनकी इच्छा है मैं उनके लिए पालक की ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊं। और आज यहाँ शाम को आंधी बहुत आई थी, बहुत जोरों की आंधी आई थी, तो लाइट भी नहीं है, मार्केट जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और मेरे पास सिर्फ पालक है। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ कि कभी कभी ऐसे भी होता है और कम चीज़ों में भी सब्जी बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बनती है। तो आइए मेरे साथ। यहाँ देखिए, मैंने पालक वाश कर लिया और ये देखिए, फाइन चॉप अनियन, ग्रीन पीज, फाइन चॉप टमाटो, पोटैटो और ये रहा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कुकर मैंने रख दिया है और देखिए जरा सा मैंने कुकर में पानी डाल दिया। अब इसमें हम पालक डाल देंगे बॉयल होने को, बस 5 मिनट ही पालक को बॉयल करेंगे। ये देखते हैं, मैंने पालक डाल दिया कुकर में। अब इसकी लीड लगा देंगे और 5 मिनट के लिए हम पालक को बॉयल होने छोड़ देंगे। यहाँ हम कुकर की लीड हटा लेते हैं और देखते हैं। देखिए पालक बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए। और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ, जो पालक का बचा हुआ पानी है उसे आप फेंकिएगा नहीं, उसे ग्रेवी में यूज कर लीजिएगा। मैं दिखाती हूँ, मैंने इसे एक बाउल में निकाल के रख लिया है। ये मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है और ये गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पालक कुक हो गया है, हम इसे विद इन 5 मिनट्स कुक करेंगे। मैंने पालक को एक प्लेट में निकाल लिया है और देखिए कुकर में ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन, और हम इसे अभी कुक करेंगे विद इन 5 मिनट्स। यहाँ देखिए अनियन कुक हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसे भी 2 मिनट कुक करेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और हम डालेंगे इसमें अब 1 स्पून साल्ट, 1 टर्मरिक पाउडर, 1 धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हो रेड चिली पाउडर, आप देख लीजिए। अब हम सबको ऐसे कुक कर लेंगे। यहाँ देखिए मेरी ग्रेवी तैयार है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे फाइन चॉप टमाटो, ये देखिए, इसे भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे विद इन 2 मिनट। यहाँ देखिए
मेरा टोमेटो भी कुक हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट जो मैंने थोड़ा कुक कर लिया था, इसे भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ये मेरा कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए पोटैटो, ग्रीन पीस। अब हम इसे भी 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें कुक हो गई हैं, सोटे हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी भी हम इसमें ऐसे डालेंगे, अगर किसी को पतली ग्रेवी पसंद हो, किसी को थोड़ा थिक ग्रेवी पसंद हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपको थिन ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दीजिए, अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा कम डालिए। अब हम कुकर की लीड लगा लेते हैं और इसमें हम 2 से 3 विसिल आने तक कुक करेंगे। अब हम करेंगे तड़के की तैयारी, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड सीड ले रखा है और करी लीव्स ले लिया है और ये देखिए ग्रीन चिली ले लिया है। अब मैंने तड़के के लिए ले लिया है देसी घी और हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड। फिर हम डालेंगे उसमें ग्रीन चिली। यहाँ देखिए मेरे पालक की सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। इसमें तड़का लगाने से इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए मेरे पालक की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।